अगर आप बहुत कम समय में एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं तो राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर हम बहुत इंसाइटफुल और वैल्यूएबल क्लिप्स लाते हैं आपके लिए। नेक्स्ट 5 बीजेपी के मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स कौन हो सकते हैं? मैं इसको केवल मतलब हम सबको फ्यूचर जानने में या फ्यूचर पे एक तुक्का लगाने में ओपिनियन में मजा आता है, इसको मैं एक स्ट्रक्चर में बांधता हूँ और उस स्ट्रक्चर से जो आंसर निकलेंगे मेरे ख्याल से वो आंसर सही आंसर होंगे। बीजेपी ने एक इंटरनल लिमिट बनाई है 75 साल की, कि जब 75 साल के होंगे तो एक तरह से राजनीति में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं ऐड किया है, मतलब बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उन्होंने एक लिमिट बनाई है। नरेंद्र मोदी खुद 2026 में 75 के हो जाएंगे, लेकिन शायद वो अपना टेन्योर कंप्लीट कर लें और उसके बाद जब वो 29 में आएंगे तब वो 75 के हो चुके होंगे। तो या तो भाजपा अपनी इंटरनल नॉर्म को छोड़ेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ एक है, उनकी एज रिफ्लेक्ट नहीं होती है, मतलब ही लुक्स लाइक ए 25 ईयर ओल्ड ना, मतलब वो 6 दिन की यात्रा करने आते हैं उसके बाद अगले दिन कैबिनेट मीटिंग लेने लगते हैं। हिज एज एट वॉट एवर 71-72 इज नॉट अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अच्छी चीज़ करी है, पिछले ये 10 साल में एक बैटरी ऑफ लीडर्स क्रिएट कर दिए जो यंग है। अब मैं 75 की टाइमलाइन को लेता हूं और देखता हूं कौन से लीडर हैं जिनके पास कम से कम 15-20 साल की राजनीति बची है, तो यानी कि वो इस समय 50-60 के बीच में होने चाहिए। पहला नाम आता है अमित शाह जी, जो उनके क्लोज भी हैं, होम मिनिस्टर हैं, बहुत क्लोजली गवर्नमेंट को वॉच करते हैं, कैबिनेट में हैं, बड़े बड़े 370 जैसे डिसीजन लिए हैं, सीए जैसे डिसीजन लिए हैं, गवर्नमेंट को क्लोजली वॉच, इंस्टीट्यूशन नॉलेज भी है। तो बीजेपी में 3 चीज़ें मुझे लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो उसको गवर्नेंस की नॉलेज हो, ऐसा नहीं कि कल बच्चा पैदा हुआ और कल वो, क्योंकि उसका नाम गांधी है, उसका नाम यादव है, कि उसका नाम गौड़ा है, स्टालिन है, इसलिए आ जाए, उसको एक्सपीरियंस हो। अमित शाह जी स्टेट में रहे, गुजरात में बहुत समय, और सेंटर में मिनिस्टर है और पार्टी भी चलाई, तो आता है उनको सब। और एज उनकी साइड में मेरे ख्याल से ही इज 57-58 राइट, तो अभी 75 की नॉर्म से 15-20 साल की राजनीति, तो एक वो नाम आता है। योगी आदित्यनाथ बहुत ऑब्वियस नाम है, और हाँ दूसरा एलिमेंट है कि वो पॉपुलर भी होने चाहिए, मतलब वो चुनाव भी जिता सके ना मुझे, कि भाई उनके नाम पे 1-2 लाख लोग इकट्ठे भी हो ना, कि भाई एक रेवरेंस भी हो उसमें ना, एक कल्ट फिगर भी हो, जो अमित शाह जी हैं। दूसरे आते हैं योगी आदित्यनाथ, केवल 51 साल के, 19 साल पार्लियामेंट में, 6 साल के चीफ मिनिस्टर, अभी 10 साल के हो जाएंगे जब तक टर्म खत्म होगा, तब तक वो 54 के होंगे, एक्सट्रीमली पॉपुलर। मैं विदेशों में जाता हूँ वहाँ पॉपुलर है, मैं साउथ में जाता हूँ जहाँ लोग भाषा भी नहीं समझ पाते उनकी, वहाँ पॉपुलर है, एक बड़ा नाम आते हैं। फिर देवेंद्र फडणवीस, अगेन यंग हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, पार्टी अध्यक्ष रह चुके हैं, मेयर से बड़े और आज यहाँ तक आए, इंग्लिश हिंदी में बात कर सकते हैं, मराठी बोलते हैं, पॉपुलर हैं, एक स्टेट में पॉपुलर है, लेकिन ऐसे भी भारत में उनका नाम है, बिल्कुल एक ऑब्वियस नाम बनता है। हेमंत बिस्वा बाहर से आए हैं, एक ये भी है कि इंटरनली नहीं ग्रो हैं, बाहर से आए हैं, लेकिन केवल असम ही नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट भाजपा के लिए कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, उसमें काम करते हैं, चीफ मिनिस्टर भी अब ये 5 साल पूरा कर लेंगे, पहले भी जब सोनेवाल जी चीफ मिनिस्टर थे उसमें मिनिस्टर थे, पूरे नॉर्थ ईस्ट पे पकड़ है, तो वो रीजन जो एक तरह से भारत से कटा हुआ था, और नरेंद्र मोदी की पॉलिसी भी है कि लुक ईस्ट, तो ईस्ट को भी अपना पार्ट बनाओ, जो एक तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट में छिन्नमिन्न हो गया था, तो वो उनकी भी उम्र कम है, 60 से कम है, वो आते हैं। फिर अगर मैं नाम सोचूंगा तो स्मृति ईरानी पॉपुलर हैं, एक्सपीरियंस अच्छा है, राज्यसभा लोकसभा है, और नहीं देखिए प्राइम मिनिस्टर में आपका पॉलिटिकल वेट भी बहुत बड़ा होना चाहिए। पॉलिटिकल वेट कैसे बड़ा, आपने राहुल गांधी को हराया, आपने किसको हरा के चुनाव आप जीते हैं, तो वो भी एक पॉइंट पे, और उनकी एज तो और कम है, आई थिंक शी इज ओनली 47 राइट, तो ये सब पॉपुलैरिटी इज वेरी हाई, पॉपुलैरिटी इज वेरी हाई, पॉपुलैरिटी इज वेरी हाई, शी इज अ वेरी गुड ओरेटर, उनको बहुत सारी, शी इज पॉलीग्लॉट, उनको 5-6 भाषाएं आती हैं, महिला हैं, महिलाओं से कनेक्ट करती हैं, ये हो गया। यंग लीडर्स में मैं देखता हूँ के अन्नामलाई को, मेरी बीजेपी पे किताब है जिसका तमिल ट्रांसलेशन में फॉरवर्ड उन्होंने लिखा है, मैं उनके साथ एक पूरे दिन रैली में उनके रहा, एक 10,000 के लोगों के बीच में हमने किताब लॉन्च करी, जो उनका एक कल्ट क्रिएट हो रहा है। ही वॉज अ आईपीएस ऑफिसर मेरे ख्याल से 2010 बैच के आईपीएस ऑफिसर, ऑथर उन्होंने, मैंने भी ब्लूम्सबरी से लिखी है, उन्होंने लिखी है माय डेज इन खाकी द स्टोरी ऑफ अ रियल सिंघम समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उनकी उनके कॉप डेज की कहानी है। वो जब वो कॉप थे तो वो इंस्टाग्राम यूट्यूब जो भी चलता था उसमें काफ़ी पॉपुलर थे एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, अभी वो तमिलनाडु में पॉपुलर हो रहे हैं, जो भारत जो भाजपा का वोट शेयर 5-6% रहता था उसको 10-12-15% पे ले आए, तमिलनाडु जो बीजेपी का स्टेट ही नहीं है वहाँ पे एकदम से चर्चा में आ गए, एंड ही वॉज 39 व्हेन आई वॉज डिस्कसिंग, ही मस्ट बी 40 राइट, तो ही इज सुपर यंग। तो मेरे ख्याल से ऐसी सिक्वेंस ही दिखती है अब, लेकिन ये है कि पोस्ट मोदी एरा जो जब भी आएगा, नरेंद्र मोदी समवन लाइक सचिन तेंदुलकर, वो डिसाइड करेंगे कि वो रिटायर कब होंगे, क्योंकि उनकी क्षमता तो खत्म नहीं होगी, एक दिन वो ही डिसाइड कर लेंगे कि चलो अब हो गया, आप किसी और को बैटन पास ऑन कर दें। तो जब भी वो डिसाइड करेंगे मेरे ख्याल से इन द पोस्ट मोदी एरा ही हैज क्रिएटेड अ बैटरी ऑफ लीडर राइट। अब उस समय जिसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होगी, जो एबल ज़्यादा होगा, देखिए इलेक्शन जीतने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि विनेबिलिटी क्या है,
ऐसा नहीं कि अडवाणी जी को खराब व्यक्ति थे, लेकिन 2014 में संघ ने निर्णय लिया, पार्टी ने निर्णय लिया कि भाई इस समय विनेबिलिटी अडवाणी जी की शायद नहीं है, विनेबिलिटी नरेंद्र मोदी की ज़्यादा है। तो आपको केवल व्यक्ति अच्छा ना, उसकी विनेबिलिटी क्या हो। तो आज से कमेंट करना कि पोस्ट मोदी आराम उस समय किसकी विनेबिलिटी होगी। लेकिन एक बैटरी ऑफ लीडर्स हैं, इनमें से सिक्वेंशली किसी ना किसी टाइम में, और यही जो मैंने नाम लिए मेरे ख्याल से टॉप तो होंगे, टॉप 4-5 मिनिस्टर तो होंगे, और इन्हीं में से कोई एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। टॉप 3 नाम दे दो, टॉप 3 अगर आपको लगता है कि ये 3 के बीच में आपको लगता है कि कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। हाँ, मेरे ख्याल से बेस्ड ऑन टुडे, हाँ बेस्ड ऑन टुडे मेरे ख्याल से मैं 4 नाम लेना चाहूँगा, मन 5 लेने का कर रहा है। हाँ, तो अगर मुझे आप 3 पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 3 एग्जैक्टली, क्योंकि लंबी लिस्ट लेना हर समय आसान होता है। मेरे ख्याल से अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट, या दोनों भी बन सकते हैं, पहले कोई दूसरा कोई, एक प्रधानमंत्री एक होम मिनिस्टर ऐसा। और उनके बाद अगर तीसरा नाम मैं लूँ तो इट्स अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट बिटवीन द 3 नेम्स विच आई टॉक, देवेंद्र फडणवीस, स्मृति ईरानी, हेमंत बिस्वा। मैं आई थिंक मेरा हंस जाएगा देवेंद्र फडणवीस और हेमंत बिस्वा पे ये समय, तो मेरे ख्याल से हाँ ये नाम होने चाहिए। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। और भी ऐसी बहुत इंसाइटफुल और नॉलेजेबल क्लिप्स देखनी है तो राजशुमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो।